जब एट्रोसिटी एक्ट का केस तैयार हो जाता है, एफआईआर आ जाने के बाद आप जो जो चार्जशीट पेश हो जाता है, उसके बाद लास्ट में न्यायालय में बयान के लिए इसके द्वारा कराया जाता है, वो जो एविडेंस है एविडेंस को पेश करना पड़ता है, केस की सुनवाई का तारीख शुरू हो जाता है, यानी पुलिस का जितना भी पेपर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद लास्ट में बयान करवाया जाता है, बयान करवाने के लिए न्यायालय में पीड़ित को एक विशेष लोक अभियोजक द्वारा करवाया जाता है, यानी पीड़िता के लिए और पीड़ितों के लिए एक एडवोकेट अपॉइंटमेंट होता है, वो एडवोकेट इसके लिए वो तैयार होता है और वो बयान करवाता है। बयान किन गवाहों करवाया जाता है? न्यायालय में बयान उन गवाहों से करवाया जाता है जो पीड़ित के प्रकरण का साबित करने के लिए अनुसंधान अधिकारी ने आरोप पत्र में पेशकश करता है, और उसी के हिसाब से एविडेंस देने के लिए उनको बुलाया जाता है कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन पीरियड में जनरली जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो आयोग होता है, वो आधिकारिक आरोप पत्र तैयार करने का टाइम में उनका नाम लिखा जाता है, एविडेंस का नाम लिखा जाता है, जो आई विटनेस होता है तो आई विटनेस को बुलाया जाता है, सीजर विटनेस है सीजर विटनेस में जो जिन जिनका हस्ताक्षर होता है इनको भी बुलाया जाता है। यानी जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फील्ड में उतरता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो सबसे पहले उस सीजर जो करता है, सीजर का टाइम में विटनेस को रखा जाता है, इनको सीजर विटनेस कहते हैं, जो घटना का आंखों में देखता है वो आई विटनेस कहता है, यानी केस को मजबूत करने के लिए जो अधिकारी होता है, अनुसंधान अधिकारी होता है, वो एविडेंस कानून के तहत एविडेंस इकट्ठा करता है। ऐसे एविडेंस को सामने कोर्ट के सामने लाने के लिए जिन लोगों का वो बयान लिखता है, और ऐसे लोगों को विटनेस का रूप में उनका पेपर में लिखा होता है, तो कोर्ट उनको बुलाता है एविडेंस देने के लिए। बयान के लिए न्यायालय कब कैसे और कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानना है। बयान के लिए न्यायालय में कब जाना होता है और किस परिस्थिति में जाना पड़ता है? न्यायालय जब जब केस का सुनवाई शुरू हो जाता है, तो न्यायालय उनको नोटिस देता है पीड़िता का पक्ष में, और कोई पीड़िता को भी नोटिस दिया जाता है, नहीं तो विटनेस को भी नोटिस दिया जाता है। नोटिस पाते न्यायालय द्वारा जो लिखित सूचना मिलता है उनको नोटिस कहते हैं, या लिखित सूचना मिलते हैं, उस सूचना में निश्चित दिन तारीख टाइम लिखा जाता है, उसी दिन एविडेंस देने के लिए वहां विटनेस को जाना पड़ता है। तो इसके लिए सूचना पहले ही उन्हें मिल जाता है, 2 दिन या 3 दिन या हफ्ता पहले ही उन्हें स्पेशल मैसेंजर का द्वारा लिखित रूप से मिल जाता है। जब उन्हें लिखित रूप से नोटिस मिलता है, सूचना मिलता है, तो विटनेस देने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। जब न्यायालय में नोटिस आने के बाद भी जब विटनेस नहीं जाएगा, क्या होगा? क्या गिरफ्तारी होगा या गिरफ्तारी वारंट होगा या नहीं होगा? लिखित रूप से आपको जब सूचना मिलता है, प्रथम सूचना मिलता है आपको विटनेस देने के लिए, तो आप उपस्थित नहीं होते हैं। कोर्ट फील कर रहा है आप बार बार आप वहां विटनेस के रूप में जाने के लिए तैयार नहीं है, आप नहीं जा रहे। जब कोर्ट फील करेगा तब आपको एक वारंट जारी करेगा न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, ये जमानत वारंट होता है, मतलब आपको जेल में डाला नहीं जाएगा, ये जमानत वारंट होता है, आपको वहां जाके विटनेस देने के लिए ये वारंट न्यायालय तो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए ऐसा वारंट देता है। जब आप न्यायालय में जाते हैं विटनेस दे देते हैं, तो वारंट अपने आप को खत्म हो जाता है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। बट आप लोग को इतना ध्यान रखना होगा, जब आपको कोई भी नोटिस आता है या सूचना मिलता है, लिखित सूचना कोर्ट देता है फलाना तारीख में आपको आना है, आके आपको विटनेस देना है, तो आप उस तारीख में जाना बहुत अच्छा है। कोर्ट का आदेश को, कोर्ट का सूचना को अवमानना करने से आपको वारंट जारी होता है, वो जमानती वारंट है, गैर जमानत नहीं, ये जमानत वारंट है। आप कोर्ट में पेश होते ही वो अपने आप वारंट कैंसिल हो जाता है, और आप बस विटनेस दे देते हैं और वापस घर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए, विटनेस के लिए जब कोर्ट का लिखित सूचना मिलता है तो हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है। जब गवाह सूची में महत्वपूर्ण गवाह को शामिल किया नहीं जाया तो क्या हो सकता है?
तो ऐसा होगा, समझिए एक इम्पोर्टेंट एविडेंस से, एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानबूझकर शामिल नहीं किया या प्रभावित होके भी वो नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में हम उनको शामिल करने के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल करने के लिए जो अभी अभियोजक होता है, विशेष लोक अभियोजक होता है, यानी जो एक प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर होता है, उनके द्वारा न्यायालय में हम प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, पेश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। जब न्यायालय उनको उचित समझता है तो न्यायालय न्यायोचित समझता है तो गवाह और दस्तावेज तलब कर सकता है। ये कोर्ट का ऊपर डिपेंडेंट है, ये अधिकार है। कोई भी व्यक्ति को, पीड़िता को भी अधिकार मिलता है, वो फील कर रहा है कि उनका गवाह, उनका कुछ एविडेंस छुपाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानबूझकर कुछ एविडेंस को पेश नहीं किया, तो ऐसे परिस्थिति में आप लोक अभियोजक के साथ मिलकर बात करना पड़ता है और उसके साथ आप लिखित रूप से न्यायालय में पेश करना पड़ता है। जब आप लिखित रूप से न्यायालय में दे देंगे तो न्यायालय फील करेगा, नहीं, ये एविडेंस हाईली सेंशियल और ये एविडेंस को सप्रेस किया गया है, तो आदेश देगा न्यायालय। उसके हिसाब से फिर वो एविडेंस कोर्ट में तलब हो सकता है, ये कोर्ट का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका काम है लिख के देना और एडवोकेट का साथ, जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है एट्रोसिटी केस लड़ने के लिए, उनका द्वारा ही ये लिख के आप दे सकते हैं। बयान न्यायालय में कैसे कैसे दिए जाना चाहिए, याद रखिए, जब गवाह आप एविडेंस देने के लिए जा रहे हैं, आपको कोर्ट बुलाया है, तो निश्चित दिन, निश्चित समय और तारीख न्यायालय आपको देता है, उसी दिन आपको उपस्थित होना आवश्यकता है। और आप उपस्थित होने से पहले लोक अभियोजक से आपको मिलना चाहिए, जो आपका एडवोकेट होता है उनका साथ आपको मिलना चाहिए, ताकि मिलने से वो आपको एविडेंस देने से पहले, उनका पास और फाइल होता है, वो फाइल को देखकर आपको समझाएगा और आपको याद दिलाएगा क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, डिटेल इंफॉर्मेशन वो देगा। इनको ट्यूट कहते हैं, यानी आपको सिखाएगा, क्योंकि ना उनका पास तमाम रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड देखकर आपको समझाएगा, बताएगा फलाना दिन में ऐसा हुआ था, आपने पुलिस को ऐसे बताए थे, जो पुलिस को बताए वही चीज आप कोर्ट में बताइए, यानी केस को, एविडेंस को, आपका जो बयान पुलिस दर्ज करता है वो बयान और कोर्ट में बताया गया बात पूरा मिलना चाहिए। थोड़ा भी कंट्राडिक्शन होना नहीं चाहिए, कंट्राडिक्शन होने से डिफेंस लॉयर को फायदा मिल जाता है और आप केस हारने की संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए आपका जो एडवोकेट होते हैं उनका बात सुनना होगा और वो दस्तावेज को आपको देखना होगा, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पढ़ना भी होगा पुलिस क्या लिखा है आपका स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे और रियल इवेंट को जाके वहां कोर्ट में बताना होगा। और गवाह देने से टाइम में आपको बिना डरे भय और खुद का बयान देना चाहिए, क्योंकि आप पहले आपका एडवोकेट के साथ मिल जाने से आपको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, आप सहज हो जाएगा आपको एविडेंस देने के लिए। न्यायालय में कभी भी एविडेंस देने का टाइम में डरने की कोई जरूरत नहीं है, न्यायालय कभी भी कोई विटनेस को डराता नहीं, वो विटनेस को प्यार से और अच्छे से समझाता है और वो उनका एविडेंस को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कोई भी एविडेंस देने का टाइम में, गवाह देने का टाइम में, बयान देने का टाइम में डरने की आवश्यकता नहीं है। गवाह जब बयान देने के लिए सहज हो जाता है, तब न्यायालय में उनको एविडेंस देने की देना उचित है। नहीं तो आप गवाह देने के लिए तैयार नहीं है, आपका मेंटल परमिशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप जब गवाह देने के लिए खड़ा हो जाएंगे तो केस गड़बड़ होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए हर वक्त याद रखिए, आप गवाह देने से पहले आपको आपका एडवोकेट का, जो लोक अभियोजक होता है, उनका साथ मिलना बहुत जरूरी है और केस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको बयान देना है। बयान जब दे रहे, आपको जब प्रश्न पूछा जाता है,
डिफेंस लॉयर आप जब जब आपको प्रश्न पूछता है, प्रश्न को समझने के बाद ही आप बयान देना चाहिए। आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप, जब तक आपका आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, उत्तर देने के लिए गवाह बाध्य नहीं है, विटनेस उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए वो दोबारा वो एडवोकेट आपको समझाएगा क्वेश्चन के बारे में, तब जाके आप विटनेस दे सकते हैं। गवाह के बयान न्यायालय में लिखित रूप से और लिपिबद्ध किया जाता है, इसीलिए बी केयरफुली, आपका विटनेस वहां देना चाहिए। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो वो कभी हटता नहीं, वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसी रिकॉर्ड को देखकर जजमेंट तैयार होता है। जब विटनेस एट्रोसिटी केस में विटनेस जाता है तो न्यायालय का द्वारा उन्हें जाने आने का खर्चा दिया जाता है। न्यायालय में जिस दिन आप गवाह के लिए जाते हैं, बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, बुलाया जाता है, उसी दिन नियमानुसार उनका आपका जो यात्रा, जो बस भाड़ा फेयर होता है या घर से न्यायालय को जाने के लिए जो खर्चा होता है, वो खर्चा न्यायालय देता है, न्यायालय द्वारा अदा किया जाता है। ये आपका लोक अभियोजक का साथ बात करके ये पैसा आपको कलेक्ट करना चाहिए। गवाह से उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और न्यायालय भी ये देखता है, न्यायालय का जिम्मेदारी भी होता है, जब विटनेस जाता है तो उनका साथ प्रॉपरली बिहेवियर होता है, उन्हें कोई भी यानी एनवायरमेंट, उनका एनवायरमेंट खराब नहीं होता है, फ्रेंडली एनवायरमेंट होता है कोर्ट में। कोर्ट हर वक्त विटनेस को फ्रेंडली एनवायरमेंट देता है और उनको फ्री दिया जाता है, उनका विटनेस को बयान को कोर्ट के सामने देने के। विशेष न्यायालय का ये दायित्व तो बनता है कि विचार करने के टाइम, जो हियरिंग होने का टाइम में, कार्रवाई होने का टाइम में पीड़िता उपस्थित होना जरूरी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जानता है कौन क्या बोल रहा है। पीड़िता वहां रहना चाहिए और न्यायालय का ये भी दायित्व तो बनता है, पीड़िता को भरण पोषण का खर्चा अदा करेगा। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कानून का द्वारा लिपिबद्ध है। साथियों, एट्रोसिटी एक्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और बहुत कुछ सुविधा दिया गया है, जो भारत का संविधान में हमें ये अधिकार मिलता है। फिर भी एग्जीक्यूटिव का क्या नेग्लिजेंसी बोले या और क्या मानसिकता बोले, इसके कारण बहुत सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एट्रोसिटी केस होता है, ऐसे समय में उनको उचित न्याय नहीं मिलता और उन्हें उचित सटीक व्यवहार नहीं मिलता, तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसीलिए डर के मारे विटनेस कभी रॉन्ग स्टेटमेंट देने के कारण भी एट्रोसिटी केस कमजोर हो जाता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।